14.4 ध्वनि तरंग के अभिलक्षण तरंग के स्वरूप को चार राशियों के आधार पर परिभाषित किया जाता है ये चार राशिया हैं तरंग की तरंग दैर्ध्य आवृत्ति आयाम तथा वेग नीचे स्वरित्र द्विभुज के कंपन से उत्पन्न ध्वनि तरंगे दर्शाई गई हैं। हम जानते हैं कि ध्वनि तरंगों में क्रमशः संपीड़न तथा विरलन होता है संपीड़न के क्षेत्र में वायु कणों का घनत्व अधिकतम तथा विरलन के क्षेत्र में वायु कणों का घनत्व न्यूनतम होता है यह ग्राफ अनुदैर्ध्य तरंग के लिए माध्यम के कणों के घनत्व तथा तरंग की दूरी में बनाया गया है ग्राफ में पीक्यू वाला भाग संपीड़न को तथा क्यू आर वाला भाग विरलन को दर्शाता है उसी प्रकार अनुप्रस्थ तरंग के लिए ग्राफ में उभरे भाग को श्रृंग तथा नीचे की खाई वाले भाग को गर्त कहते हैं तरंग से संबंधित विभिन्न पारिभाषिक शब्द निम्नलिखित हैं। पहला तरंग दैर्ध्य वेवलेंथ दो क्रमागत संपीड़नों श्रृंगों अथवा विरलनों गर्तों के बीच की दूरी को तरंग दैर्ध्य कहते हैं इसका एसआई मात्रक मीटर है इसे लैम्डा से प्रदर्शित किया जाता है चित्र क्रमांक 10 घनत्व दूरी ग्राफ में तरंग दैर्ध्य